आप कौन होते हो बताने वाले कि जय श्री राम किसको बोलना है, जय श्री राम किसको नहीं बोल रहा है। और ये देश श्री राम से नहीं चलता है, ये देश संविधान से चलता है। आपकी आस्था होगी श्री राम में, किसी की अल्लाह में आस्था है, किसी की वाहेगुरु में आस्था है, किसी की किसी में आस्था है। उन आस्थाओं को सब मिलकर ही देश बना है। सिर्फ एक आस्था से देश नहीं चलेगा कि आप एक आस्था से देश चलाना चाहते हैं। यही तो देश की खूबसूरती है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब लोग रहते हैं, आपस में रहते हैं। तो आप सिर्फ एक ही धर्म के लोगों को यहाँ पर सुरक्षित करेंगे, एक ही धर्म के लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये तो कहीं से बात बनने वाली नहीं है। तो ये जो सरकार है, ये जानबूझकर ऐसे लोगों को प्रमोट करती है जिससे कि इस देश के अंदर हिंदुत्व बना रहे, इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान का जो इशू बना रहे। देश का नौजवान, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, वो हिंदू मुसलमान में अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, वो मंदिर मस्जिद में अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। उसको रोज़गार चाहिए, उसको एजुकेशन चाहिए, उसको अच्छा माहौल चाहिए, उसको न्याय चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ चाहिए। जंतर मंतर पर एक बयान दिया गया था, एक नारे लगाए गए थे, वहाँ पर कुछ लोगों के आपत्तिजनक नारे थे और काफ़ी माहौल खराब करने वाले नारे लगाए गए थे। क्या कहेंगे आप, इस तरह की जो हरकत है वो देश के उस जगह पर होती है जहाँ पर संसद भवन चंद कदमों की दूरी पर है, क्या कहेंगे आप? अभी इसमें जो ठोस कदम है शायद अभी उस तरह के उठाए नहीं गए हैं जिस तरह के उठाए, और इस पर काफ़ी दिन से गर्मागर्मी चल रही है। देखो, बड़े अफसोस की बात है कि देश की राजधानी जहाँ पर संसद चलती है, जंतर मंतर संसद से मात्र आधा किलोमीटर दूर है, पुलिस का पहरा रहता है और हाई रिस्क जोन है सारा, तो वहाँ पर कुछ चंद लोग आकर देश की जो अखंडता है, भाईचारा है, उसको ख़राब करना चाहते हैं। और ये तो सोशल मीडिया पर वायरल होगी, अगर सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होती तो कोई भी केस नहीं होता। अश्विनी उपाध्याय हैं, वो बीजेपी के बहुत अच्छे नेता भी हैं और एडवोकेट भी हैं। वहाँ और भी कई ऐसे नेता थे जो बीजेपी के नेता थे, जो बीजेपी के समर्थित लोग थे, उन लोगों ने जो नारा लगाया है वो नारा देश को तोड़ने का नारा है, दो धर्मों में वो नफरत फैलाने का नारा है। कार्रवाई तो निश्चित उस पर हो रही है, मगर जैसी कार्रवाई होनी चाहिए वो ऐसी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अगर कोई मुस्लिम समाज का बच्चा या बहुजन समाज का बच्चा एक भी नारा लगा देता तो उसको देशद्रोही कर देते, कट्टरपंथी बता देते उसको। और अब तक जो सारे मीडिया हैं क्या क्या कहते, तो ये जो दोहरी राजनीति है और जो दोहरा मापदंड है, ये देश के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गलत है वो बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बार नहीं है, जंतर मंतर पर ही 2018 में उन्हीं लोगों ने, उन्हीं के आसपास के लोगों ने भारत के संविधान को जलाने का काम किया, बाबा साहब को वहाँ पर गाली गलौज की, उन पर भी उन्होंने कोई ज़्यादा कठिन कार्रवाई नहीं करी थी और उनको भी छोड़ने का काम किया। बाकी हम लोग उनका केस लड़ रहे थे तो कई लोगों को जेल भिजवाने का काम किया। ये जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, वो अपने लोगों को ऐसी जगह भेजती है और नफरत फैलाने का काम करती है। 2022 का चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। अब देश का नौजवान, देश का हर इंसान ये पहचान चुका है, जान चुका है कि जो बीजेपी की सरकार है वो सिर्फ हिंदू मुसलमान पर राजनीति करना चाहती है, वो मुद्दों पर राजनीति नहीं करना चाहती है। जब अधिकार की बात आती है तो वो अधिकारों के लिए नौजवानों पर डंडा बरसाने का काम करती है, यूनिवर्सिटी के बच्चों को NSA लगाकर जेल में डालने का काम करती है। योगी जी कहते हैं कि जो सांप्रदायिक दंगा भड़काने का काम करेंगे, सांप्रदायिकता फैलाने का काम करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनकी जगह जो है जेल में है और उनकी संपत्ति तक कुर्क की जाएगी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्या कहते हैं? देखो, मैं जब भी तक कहूँ ये हाइपोक्रेसी है कि जब उनके लोग करते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं है, अगर कोई और समुदाय का व्यक्ति करता है तो उसको टेररिस्ट बताते हैं, वो कि टेररिस्ट लोग हैं ये। तो ये जो सरकार है ये जानबूझकर ऐसे लोगों को प्रमोट करती है जिससे कि इस देश के अंदर हिंदुत्व बना रहे, इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान का जो इशू बना रहे। देश का नौजवान, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, वो हिंदू मुसलमान में अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, वो मंदिर मस्जिद में अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। उसको रोज़गार चाहिए, उसको एजुकेशन चाहिए, उसको अच्छा माहौल चाहिए, उसको न्याय चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जो सरकार नहीं दे पा रही है। सरकार में बैठे हुए जो मंत्री हैं वो भी ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं। आपने दादरी का केस देखा होगा, अखलाक का, जिन लोगों ने अखलाक को लिंच किया था जब वो जेल से छूट कर आते हैं, तो वहीं के जो मंत्री हैं उनको माला पहनाने का काम करते हैं।
ऐसे क्या ही आपने घटना देखी होंगी। तो ये जो सरकार है, ये सरकार जो वादे करती है वो तो पूरे करती नहीं है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं 2 करोड़ रोज़गार दूंगा प्रत्येक वर्ष, मगर दिए नहीं उन्होंने। ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, और ऐसे लोगों को ये सिर्फ प्रमोट ही नहीं करते, ऐसे लोगों को संसद में भेजने का काम भी करते हैं। आपने देखा होगा गांधी जी को गोली मारने वाली, जो गांधी जी को जो गोली मारी थी, उनके चित्र को बना के गोली मारी और फिर उन पर स्टेटमेंट दिया, तो उनको प्रज्ञा को, साध्वी प्रज्ञा को उनको कहाँ भेजा, उनको पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। और मोदी जी कहते हैं कि मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, दिल से माफ़ नहीं करूँगा। अगर दिल से तुम माफ़ नहीं करते हो तो फिर पार्लियामेंट में क्यों भेजते हो? तो ये इनका कहने की बात और है, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ हुआ जंतर मंतर पर वो गवर्नमेंट की इनडायरेक्टली सह पर हुआ सब? नहीं, बिल्कुल। देखो, गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि गवर्नमेंट के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं वहाँ पर। ये अश्विनी उपाध्याय जो है बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, गिरफ्तारी तो दिखाना है ना, लोगों को दिखाना, देश को दिखाना है। गिरफ्तारी नहीं करेंगे तो 24 घंटे में उनको बेल दे दी जाती है। अगर कोई और समुदाय का बच्चा होता, अगर वो जरा सी बात भी बोलता तो उसको जेल में पहुंचा देते, NSA लगाते उस पर। अभी बहुत सारे लोग जेलों में डाल रखे हैं। आपने देखा होगा JNU का मुद्दा, देखा होगा JNU का मुद्दा में देखा तो उनको सबको बता दिया देश द्रोह है। और उसी दिन की और उसी समय की जब ये लोग नारे लगा रहे थे, तो एक पत्रकार ने उनसे सवाल जवाब किए, तो उससे भी उन्होंने जय श्री राम के नारे लगवाने की कोशिश की और उसके साथ मॉब की तरह एक नहीं, बिल्कुल। मैंने वीडियो देखी थी, शायद वो दलित दस्तक या दलित नेशनल दस्तक का शायद वो पत्रकार है, तो उनको पकड़ा हुआ कायदा। बिल्कुल सही बात है, आपको लिंच कर देते हैं उनको बोला जय श्री राम बोलना पड़ेगा। तो उसने कहा कि मैं जय श्री राम नहीं बोलूँगा, अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। जय श्री राम बोलना कोई संविधान में तो लिखा नहीं है, कोई बोले मत बोले। और जय श्री राम जो है, इन्होंने राजनीति का टूल बना रखा है। जय श्री राम के नाम पर ये गाली देते हैं, जय श्री राम के नाम पर लोगों को मारते हैं, जय श्री राम का नाम लेकर लोगों को मोब लिंचिंग करते हैं। तो जय श्री राम तो सिर्फ इन्होंने अपना एक हथियार बना रखा है। अगर राम भी देख रहा होगा कहीं से, तो राम भी इनको परेशान होगा कि ऐसे जो कौन से लोग जो मेरे नाम पे ऐसा काम कर रहे हैं। तो ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि जय श्री राम बोलना ही पड़ेगा सबको। मैं तो नहीं बोलता जय श्री राम, बताइए करेगा क्या, कर लो कौन क्या करता है। तो इसमें अलग बात है ना, मेरा जो मन है मैं उसको बोलूँगा, आप मत बोलो जो मैं बोलता हूँ, आपको जो मैं बोलता हूँ वो मत करें। जब संविधान फंडामेंटल राइट्स है हमारा, संविधान हमें आज़ादी देता है, ये सेकुलर स्टेट है, जो जिसको मानना चाहता है वो माने, जिसको नहीं मानना चाहे ना माने। आप कौन होते हो बताने वाले कि जय श्री राम किसको बोलना, जय श्री राम किसको नहीं बोल रहे हैं? और ये देश श्री राम से नहीं चलता है, ये देश संविधान से चलता है। आपकी आस्था होगी श्री राम में, किसी की अल्लाह में आस्था है, किसी की वाहेगुरु में आस्था है, किसी की किसी में आस्था है, उन आस्थाओं को सब मिलकर ही देश बना है। सिर्फ एक आस्था से देश नहीं चलेगा, कि आप एक आस्था से देश चलाना चाहते हैं। यही तो देश की खूबसूरती है कि इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब लोग रहते हैं, आपस में रहते हैं। तो आप सिर्फ एक ही धर्म के लोगों को यहाँ पर सुरक्षित करेंगे, एक ही धर्म के लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये तो कहीं से बात बनने वाली नहीं है। इसलिए नौजवान साथियों को सोचना चाहिए कि जो नौजवान साथी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को बिल्कुल सोचना चाहिए कि ये देश सेकुलर स्टेट है। आप प्रियम्बल पढ़ेंगे, प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि दिस इज द सेकुलर स्टेट, और ये भारत है, भारत में सभी लोग रहते हैं, सबकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। आप जबरदस्ती जय श्री राम किसी से बुलवाना चाहते हो और वो नहीं बोलना चाहते, अगर उसने जबरदस्ती कहने पर तुम्हारे मारपीट पर बोल भी दिया तो उससे क्या होने वाला है? क्या जय श्री राम बहुत बड़े हो जाएंगे, कि जय श्री राम का बोध हो जाएगा? जय श्री राम सिर्फ इन लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के लिए बना रखा है। ये मंदिर की बात करते हैं, मंदिर इन्होंने जैसे बनवा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर का जजमेंट दिया था इसलिए मंदिर बन रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी संविधान के दायरे में रखे, संविधान को आगे रख के दिया था। संविधान अगर देश में नहीं होता तो जय श्री राम को भी नहीं मिल पाता अधिकार, कुछ नहीं मिल पाता। तो संविधान बड़ा है, संविधान में सबको अधिकार है, सबको फंडामेंटल राइट्स है, तो लोगों के अधिकारों को मत मारो। अपने अधिकार के चक्कर में लोगों के अधिकारों को मारेंगे तो दो जो कम्युनिटी हैं, दो रिलीजन्स हैं, उनमें हेट्स स्प्रेड होगा, उसमें नफरत फैलेगी, और ऐसे नफरत फैलाने वाले लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं ये ही समाज में सबसे ज़्यादा घातक लोग हैं। और सरकार जब इनको प्रोटेक्ट करती है, सरकार इनको जब मनोबल बढ़ाती है, तो कहीं ना कहीं इनका मनोबल और ज़्यादा बढ़ जाता है। नहीं तो एक ज़रा से लोग, पाँच छः लोग कहीं भी आकर कुछ भी कह देते हैं और सरकार कुछ नहीं कर पाती है, तो ऐसे फिर इतनी बड़ी सरकार का काम क्या होगा? तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आपको समझना पड़ेगा, ये 2022 जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है उसके लिए भूमि का पूरे देश में बना रहे हैं। अब ये बंगाल में चुनाव हारे हैं, वहाँ पर इन्होंने सब कुछ किया, पहले दिल्ली में चुनाव हारे थे, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने के लिए जा रहे हैं,
उत्तर प्रदेश में चुनाव हारेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो 20 करोड़ जो जनसंख्या है, वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने मन बना लिया है कि वो बीजेपी सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे और एक नई सरकार, अच्छी सरकार, बहुजन समाज की अच्छी सरकार बनाने के लिए वो लोग तैयार हैं। इसलिए ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। तो मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूँ और हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग आपस में न लड़ें, भाईचारे से रहें। ये कुछ चंद लोग हैं जो अपने धर्म के ठेकेदार बनते हैं, इनकी ठेकेदारी बंद करो। इनके जितने भी स्टेटमेंट हैं उन पर कोई गौर मत करो। आप प्यार से रहो, भाईचारे से रहो, समता मैत्रिक भाईचारे का माहौल बनाइए। जब ही देश बन सकता है, जब ही देश अच्छा बन सकता है, अच्छी सरकार देश में आ सकती है। देश में अच्छी सरकार लेकर आओ।